प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। स्वलोक में मेरा धन सुरक्षित शोभयमान, स्वलोक में मेरा धन सुरक्षित शोभयमान, दुनिया के उत्पत्ति से भी है तू मेरा धन, दुनिया के उत्पत्ति से भी है तू मेरा धन। उत्तम सी मैं पहले प्रभु ने चुन लिया, उत्तम सी मैं पहले प्रभु ने चुन लिया, अनंत दाता यीशु मेरा धन। आज का संदेश इवेंजलिस्ट जोसी अब्राहम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। शुभ संदेश का हर एक श्रोताओं को और एक बार जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह का नाम में हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज का मनन के लिए आइए हम लोग पढ़ेंगे पत्रस का दूसरा पत्री एक अध्याय उसका एक और दो पद। पत्रस का दूसरा पत्री एक अध्याय एक और दो पद। शिमोन पत्रोस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है, परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुताय से बढ़ती जाए। ये जो एक और दो पद है, ये जो पत्री का अभिवादन है या इंट्रोडक्शन है। उस समय पत्री लिखने का जो तरीका के अनुसार जो लेखक अपना परिचय देता है और किसके लिए लिखा है और उसके बारे में बताया और उन्हें एक आशीष का वचन देकर जो पत्रस इधर शुरू होता है। ये पत्रस का पत्री का लेखक कौन है उन्हें मालूम है, वो पत्रस का एक पत्री है। और पहले पद में शुरुआत में हम इसे पढ़ता है शिमोन पत्रोस की ओर से। पत्रस अपना परिचय देता है और सबसे पहले अपना नाम वो बताता है, शिमोन पत्रस। इधर पत्रस अपना दोनों नाम इधर बताता है। सुसमाचारों का पुस्तक हम लोग पढ़ने से उधर बार बार शिमोन पत्रस बोलकर वो नाम हम लोग देख सकता है। और ये दो नाम शिमोन और पत्रस जो है, ये पत्रस का जीवन का दो पहलू को दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह के पास आने का पहले उसका नाम शिमोन है और प्रभु यीशु मसीह उसका नाम बदला है और वो है पत्रस। वो बात को हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार एक अध्याय 41 और 42 में हम लोग पढ़ता है। उधर ऐसे हम लोग पढ़ता है, उसने पहले अपने संगे भाई शिमोन से मिलकर उसे कहा, हमको क्रिस्ट अर्थात मसीह मिल गया। वो उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शिमोन है, तू कैफा अर्थात पत्रस कहलाएगा। शिमोन का भाई अंद्रियास ने शिमोन को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आया है और प्रभु यीशु मसीह शिमोन को देखकर उसे बोला, तू यूहन्ना का पुत्र शिमोन है। शिमोन नाम जो है वो पत्रस का पहला जो इब्रानी नाम है और प्रभु यीशु मसीह उसको नया नाम दिया है, वो हम लोग उधर ऐसे पढ़ता है, तू कैफा अर्थात पत्रस कहलाएगा। कैफा बोलने से वो अरामिक शब्द है और उसका यूनानी में वो शब्द है पत्रस। और कैफा और पत्रस का अर्थ है पत्थर या स्टोन। और शिमोन पत्रस का ये जो नाम है और उसका जीवन का दो स्वभाव को दर्शाता है। मसीह में आने का पहले उसका एक पुराना स्वभाव और मसीह में आने के बाद उसका एक नया स्वभाव, ये दोनों को ये नाम शिमोन पत्रस हमें समझाता है। हर एक विश्वासी का ये इस प्रकार दो स्वभाव, एक पुराना स्वभाव अर्थात एक शारीरिक स्वभाव और एक नया स्वभाव या एक आत्मिक स्वभाव। यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय उसका 6 पद में हम ऐसे पढ़ता है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। दुनिया में जब हम लोग जन्म हुआ उस समय हमें एक शारीरिक या संसारिक एक स्वभाव हमें मिला है। और जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, जब उद्धार का अनुभव में आता है और उस समय हम लोग इधर यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय में हम लोग देखता है एक नया जन्म हमारा होता है।
पहले इस संसार में हमारा माँ बाप का द्वारा हमें एक जन्म मिला, उसके साथ हमें एक संसारिक स्वभाव मिला है, और नया जन्म मतलब हम लोग परमेश्वर की संतान होकर एक आत्मिक जन्म हमें मिलता है, और उस जन्म के साथ हम लोग को एक आत्मिक स्वभाव भी हमें मिलता है। कुरिंथियों का दूसरा पत्री 5 अध्याय उसका 17 पद इधर ऐसा लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। इसलिए उद्धार पाए हुए हर एक व्यक्ति में ये दो स्वभाव है, शारीरिक स्वभाव और एक आत्मिक स्वभाव, और ये दोनों स्वभाव हमेशा आपस में लड़ता है। शरीर हमेशा आत्मा का खिलाफ है और आत्मा हमेशा शरीर का खिलाफ है। ये दोनों को हम लोग एक साथ प्रसन्न नहीं कर सकता है। रोमियो का पत्री 8 अध्याय उसका 6 से हम लोग ऐसे पढ़ता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से वैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं है। इसलिए एक नया जन्म पाया हुआ एक विश्वासी का कर्तव्य है, अगर वो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है तो आत्मिक स्वभाव उसमें हमेशा प्रकट होना चाहिए। शरीर से बढ़कर, संसार से बढ़कर वो आत्मा की बात या आत्मिक बातों के ऊपर मन लगाता है। गलातियों का पत्री 5 अध्याय 19 से लेकर हम लोग पढ़ने से उधर शरीर का काम और आत्मा का फल ये दोनों हम लोग देख सकता है। 19 से 21 तक हम लोग पढ़ने से वो शरीर का काम है, शरीर का काम क्या क्या है उधर ऐसे पढ़ता है, शरीर के काम तो प्रगट है अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वायर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विदर्भ, दा, मत्वालापन, लीला क्रीड़ा, और इनके जैसे और काम है, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता है जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाला परमेश्वर का राज्य के वारिस ना होंगे। ये सब शरीर का काम है, सिर्फ इधर नहीं है और दूसरे जगहों में भी हम लोग शरीर का कामों के बारे में हम लोग देख सकता है। ये शरीर का काम जो है एक विश्वासी का जीवन में कभी नहीं होना है, हमेशा आत्मा का काम या आत्मा का फल उसका जीवन में होना जरूरी है। और गलातियों का पत्री 5:22 से लेकर हम लोग आत्मा का फल हम लोग देख सकता है, और उधर ऐसे लिखा है 22 से लेकर, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और 24 पद में हम लोग ऐसे पढ़ता है, और जो मसीह यीशु के है उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूश पर चढ़ा दिया है। इधर ऐसे लिखा है जो मसीह यीशु के है वो शरीर को अपना लालसाओं के साथ और अभिलाषाओं समेत क्या किया है, क्रूश पर चढ़ा दिया है। क्रूश पर चढ़ा दिया मतलब फिर वो काम हमारा जीवन में कभी नहीं होना है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमारा जीवन में आत्मा का फल प्रकट होना चाहिए। बहुत दुख के बात है, आज बहुत सारे लोग कहता है हम मसीही है, हम मसीह के हैं, लेकिन उसका जीवन में ऐसा शरीर का काम प्रकट होता है, आत्मा का काम उसका जीवन में कभी देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर हमारा जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, कुछ बदलावट अगर नहीं हुआ है तो हम अपना उद्धार का विषय में संदेह करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऐसे बोला है, एक पेड़ को उसका फल से
पहचान कर सकता है। और गलातियों का पत्री 5:16 से हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऐसा पढ़ता है, पर मैं कहता है आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर के लालसा किसी रीति से पूरा ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है। आत्मा का स्वभाव और शरीर का स्वभाव ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए हम विश्वासी लोग क्या करना है, हम आत्मा के अनुसार चलना है, शरीर की लालसाओं को किसी रीति से पूरी ना करना है। मतलब शरीर को इंकार करना है और आत्मा के बातों को सुनकर हम लोग काम करना है, तब हम लोग इस दुनिया में मसीह का, परमेश्वर का प्रसन्न करने वाला एक आत्मिक जीवन हम लोग बिता सकेंगे। इसलिए पत्रस का दूसरा पत्र 1:1 में पत्रस अपना परिचय पहले ऐसा देता है, शिमोन पत्रस की ओर से, और हमारा जीवन में भी जो उद्धार पाए हुए हर एक व्यक्ति का जीवन में भी इस प्रकार दो स्वभाव है, और इसी में जो आत्मिक स्वभाव है हमारा जीवन में हमेशा प्रकट होना है। उसके लिए परमेश्वर हम सभी को सहायता करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।